तो इस रोड को लेकर क्या समस्या है? अरे इस रोड को लेकर तो बहुत बड़ी समस्या है, इतने कम से कम 7-8 साल हो गए इस रोड की इतनी बड़ी समस्या है कि क्या बताऊँ। जरा भी बरसात होती है तो यहाँ टूनी भर पानी भर जाता है, किसी के द्वारे पे होके जाना पड़ता है, कोई गुस्सा करता है और इतना चहला भरा रहता है कि कपड़े पहन के जा नहीं सकते, सारे कपड़े बर्बाद हो जाए, चूक जाओ तो उसी में चोट खा जाओ। एक बार तो गिर गए हैं हम, जरा भी बरसात होती है तो बहुत, और बाढ़ का जो पानी आता है तो 3-3 महीने तो निकलता ही नहीं है। और कई बार प्रधान से कहा गया है, कई आदमी से कहा गया है, लेकिन कोई इसकी परवाह ही नहीं करते हैं। और पास में विद्यालय भी पड़ता है तो विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो वो भी चोट खा जाते हैं, कई बार हमारे बच्चे खुद जाके नहीं जा पाते हैं, पानी भरा रहता है किधर से जाए, कोई रास्ता ही नहीं है। और इतनी गंदगी रहती है, इतना मच्छर काटते हैं कि बच्चे बीमार, हमेशा बीमार ही पड़े रहते, समझ लो। ये बहराइच जिले के ब्लॉक पखरपुर के ग्राम पंचायत भौंरी में रास्ता ख़राब था, जिस पर मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक और संगठित करते हुए इस समस्या पर बदलाव ला पाया। हमारे गांव में जहां पर हम खड़े थे, बगल में बहुत ज़्यादा चहला था, कीचड़ था, नाली की भी समस्या थी, खरंजा भी नहीं लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हम लोग बहुत परेशान थे। उसके बाद में घनश्याम भाई आए हमारे, ये तो ब्लॉक पे जाके घनश्याम भाई के साथ में वहाँ पर ज्ञापन दिया, उसके बाद खरंजा हमारा लग गया है। हमारे यहाँ जो है काफ़ी दिन से रास्ता ख़राब थी और पानी भर जाता था, बाढ़ का पानी भी बहुत भर जाता था, महीनों पानी निकलता नहीं था। तो हमने प्रधान से और कई आदमी से पहले कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। इसके बाद घनश्याम भाई साहब आए हमारे यहाँ, इन्होंने वीडियो बनाया और मीटिंग भी की। इसके बाद प्रस्ताव लिखा गया प्रधान को, प्रधान को हमने दिया। इसके बाद जो है ये रास्ता का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ घनश्याम भैया को। मैं चाहता हूँ ऐसे समुदाय के समस्याओं पर वीडियो बनाता रहूँ और समुदाय को एकजुट कर उस पर बदलाव लाता रहूँ। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से, इंडियन हार्ट के लिए।